पानी से अच्छे से वॉश करते हैं वो मैंने करे नहीं, बस सर्फ से खाली धुल के और पाइप समेट के रख दिया और मैं काम के चक्कर में माइंड पता नहीं कहाँ था, एकदम से भूल ही गई थी क्या बोलते हैं इनको पानी से भी धुलना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक घंटे में नहा धो लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद तब तक ये वाले कपड़े भी सूख जाएंगे तो फैलाने की जगह हो जाएगी। उसके बाद अभी मैं थोड़ी देर में पाइप लगा करके इसमें पानी भरूंगी, थोड़ा सा डिटॉल डाल के इनको फाइनल वॉश कर दूंगी, तब उसके बाद फैला दूंगी। और यहाँ पे 4-5 दिन से पता है क्या हो रहा है, 4-5 दिन से सुबह के टाइम इतनी भयंकर वाली धूप हो रही है कि आप पूछिए मत, और दोपहर जैसे बीतती है, दिन जैसे जैसे बीतता है बादल होना स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं पूरा पूरा बादल है और शाम तक होते होते 3-4 बजे तक अच्छी खासी बारिश हो जाती है, और सामने किसी का कूलर खड़ा खड़ा कर रहा है तो वो आवाज़ आ रही है दोपहर होने। तो बस ये सारी चीज़ें, ये सारा काम एकदम फिनिश हो गया है, मैं एकदम फुर्सत हो गई हूँ। सो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं निविया को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वेल नोन ब्रांड है, इसका मैं क्या रिव्यू दूं। और इसके सारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और 99% लोग इसको यूज़ करते ही करते हैं। हर घर में निविया का बहुत यूज़ होता है, मेरी मम्मी भी निविया के काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं। ये अच्छी ब्रांड की चीज़ें हम कहीं से भी ले सकते हैं, ये किसी भी शॉप पे मिल जाएंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट हमें हर कोई नहीं देता है, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं ये चीज़ शेयर कर दूँ। purple.com पर इस वक्त चल रहा है निविया पर ऑफ, और किस प्रोडक्ट पर कितना ऑफ है मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, मैं सारों के लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। अच्छा ब्रांड और अच्छे डिस्काउंट पर चीज मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। तो चलिए मैं फटाफट बता देती हूँ। सब पर है निविया का बॉडी वॉश, इसकी जो MRP है वो है 195 रुपीज, और अगर आप इस टाइम इसको परचेज करते हो तो इस पर 22% का ऑफ है, ये आपको ओनली 152 का पड़ेगा। मेरे पास है ये निविया का एक्स्ट्रा वाइटनिंग बॉडी लोशन, SPF 15 है और 75 ml है और ऑल स्किन टाइप है, और इसकी जो MRP है 5 रुपीज, और आफ्टर 22% ऑफ के बाद आपको मिलेगा ये ओनली 74 में। तो ये ओनली 74 रुपीज में 75 ml का आपको बॉडी लोशन मिल जाएगा इस टाइम। इसके बाद मेरे पास है एक ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट, आप भी लोग जानते हैं कि समर्स में इसकी कितनी ज्यादा जरूरत होती है। तो ये है एक निविया का डिओड्रेंट व्हाइटनिंग स्मूथ स्किन रोल ऑन, और ये की MRP है 185 रुपीज, और आफ्टर डिस्काउंट ये आपको मिलेगा केवल 144 रुपीज में। है वो है निविया का रिफ्रेशिंग फेस वॉश 55 ml नॉर्मल स्किन, और इसकी MRP है 80 रुपीज पर है 23% का ऑफ, उसके बाद ये आपको पड़ेगा 62 रुपीज का। अच्छा है मेरे पास मॉइस्चराइजर, ये मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इस पर भी 22% का ऑफ है, और इसकी जो MRP है वो है 36 रुपीज, और आफ्टर डिस्काउंट आपको ये ओनली 28 रुपीज में मिलेगा। नेक्स्ट मेरे पास दो चीज है, क्लींजिंग मिल्क और लिप बाम। क्लींजिंग मिल्क का प्राइस है 159 और लिप बाम है 175 की। फिलहाल इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, जैसे ही इस पर कोई डिस्काउंट आएगा मैं उसको भी आपसे तुरंत शेयर करूंगी ताकि आप लोग उस डिस्काउंट का बेनिफिट ले पाए। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितना अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, और आप लोग भी इस मौके का फायदा उठा लीजिए। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाक से जाके वहां से शॉपिंग कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। और साथ ही साथ एक कूपन कोड भी मैंने दे दिया है, उस पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो। तो ये थे सारे प्रोडक्ट जो purple.com की तरफ से मुझे मिले थे। तो और अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। Thank you.
सकते हो ना कौन आ गया है नन्नू के घर पे? इधर सबको बता दो कौन आ गया। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आप सब लोग काफी दिन से बोल रहे हो कि मम्मी को बुला लो, मम्मी को बुला लो। तो मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, ये बात बताना नहीं चाहती थी। मम्मी का आने का प्लान बन रहा है तो वो आने वाली है। तो अचानक से मम्मी का आना हो गया। मैं आपको पूरी बात बताऊं, हुआ ये था, मम्मी का हो गया था एक्सीडेंट। तो यही एक बुरी खबर मुझे आपको देनी थी। और मुझे ना बोलने में भी बार बार अजीब सा लग रहा है ये बात कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था। तो उन्होंने मुझसे बात छुपाई थी। तो 15 अगस्त वाले दिन हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था, ना ही बिल्कुल जाहिर होने दिया था कि उनका एक्सीडेंट। उन्हें पता था कि मैं उल्टा सीधा भागूंगी। तो मतलब यही सारी चीजें थी, धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे बताया। फिर आने के लिए भी मना कर दिया। हम लोग तुरंत जाने का सोच रहे थे कि जा करके इनको लिवा करके आते हैं, पर इन्होंने आने का भी मना कर दिया था। बोला कि मैं बस लेने आ रही हूँ, कुछ नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ और का। तो मम्मी ने कसम खिला करके अपनी, सोची ऐसी हालत में अपनी कसम खिला करके मना कर दिया, नहीं तुम लोग यहाँ पर मत आना, मैं आ जाऊंगी मामा के साथ। तो मम्मी 2-3 दिन पहले ही आ गई मामा के साथ। और उसके बाद से बस क्या बोलूं, ज्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकती हूँ। सब कुछ छुपाया मम्मी ने, सबसे पहले छुपाया एक्सीडेंट हो गया, ये छुपा लिया। उसके बाद फिर थोड़े दिन, एक दिन बाद बताया कि मेरे चोट लग गई है थोड़ी सी। मैं एकदम से पूछा कहाँ चोट लगी, कह रही बस ऐसे गिर पड़े थे सड़क से, चोट लगी। फिर तीसरे दिन बताया मेरा एक्सीडेंट हो गया था बाइक वाले ने। एक्चुअली क्या हुआ था, मम्मी रोड पर पैदल जा रही थी, गांव से मैनपुरी जा रही थी। तो रास्ते में उनको थोड़ा सा पैदल चलना था, उसी बीच में उनको बाइक वाले ने टक्कर मार दी बहुत बुरी, और वो मेन रोड पर जाकर के गिर गई। तो ये सारी बातें ना इन्होंने यहीं पर आकर के बताई है, वहां पर कुछ नहीं बताया। तो रोड पे गिरने के बाद मतलब टच वुड कोई गाड़ी वगैरह नहीं आ रही थी, इनको इतना होश भी नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। और एकदम से क्या बोलते हैं, हाँ सुन ना, रुक जाओ, डॉक्टर की जो शॉप वगैरह होती है वहां पर मतलब थोड़ा सा मरम पट्टी करने के बाद, मम्मी मतलब मामा के साथ यहाँ पर आ गई, तब से वो यहीं पर है। इसी ना मैंने दवाई वगैरह लगा करके, एक्चुअली वहां पर जो डॉक्टर को दिखाया था उनकी दवाई अभी चल रही है। और यहाँ पर आज शाम को मैं जाऊंगी मम्मी को दिखाने के लिए। कल संडे था, कल सारे जो मेडिकल और डॉक्टर के यहाँ होते हैं यहाँ सारे बंद रहते हैं। तो आज शाम को मैं जाऊंगी मम्मी को डॉक्टर के पास, अच्छे से दिखा करके आऊंगी और पूरा चेकअप करवाऊंगी। जैसे कोई कहते हैं ना, एक पता नहीं कौन सी बुरी बला थी, जो भी थी वो टल गई। मतलब कहते नहीं है ना, जाकर राखे साइयां, वही वाली बात है। तो मम्मी की बहुत रक्षा की भगवान ने, साईं बाबा ने, बजरंग बली ने। मैं सच में मैं मना रही हूँ, तुरंत मैं मंदिर गई, मम्मी जैसे ही आ गई मैं मंदिर गई, मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, भगवान जी को वही सब किया। एकदम मेरा दिमाग सुन पड़ गया था जब मैंने मम्मी की फोटो देखी थी। एक्चुअली मैं आपको भी अभी दिखाऊंगी, मुझे नहीं पता था इतनी लगी। और इन्होंने मतलब मम्मी लोग क्या करती है, पूरा छुपा लिया मुझसे। बेटा लग जाएगी ना आपने, गंदी बात नहीं करो, ये मम्मा परेशान है, उधर रख दो। तो मतलब हुए 3-4 दिन ही तो हुए हैं, कितना तक, कितनी तारीख है, तारीख भी नहीं देखी। 19 अगस्त, 4-5 दिन हुआ, ऐसे लग रहा है कि कितनी मतलब ऐसे नहीं लग रहा कितने महीने बीत गए हैं, एकदम से अंदर से ऐसे लग रहा है कितने महीने कितने दिन बीत गए। मतलब इन्हीं सबके चक्करों में आप सोच नहीं सकते हैं मतलब क्या क्या झेल लिया है मैंने इतने दिनों में, मैं नहीं जानती हूँ। और मैं आपको मम्मी की फोटो दिखा रही हूँ उस टाइम की, कि कितनी मम्मी को चोट आई थी, उस वक्त की फोटो है ये। ये पैर है, घुटने में जो चोट आई थी, अभी तो थोड़ी सी बेटर है, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा चोट आई थी। ब्लैंक हो गया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी कोई एक्सीडेंट तो क्या, शायद ही कभी कोई इतनी ज्यादा चोट लगी हो मम्मी को, कभी कुछ नहीं, पता नहीं ऐसा क्या था। और सब लोग ये शुक्र मना रहे थे, मेन रोड पे जब इंसान गिरता है तो मतलब मैं वो सारी बातें करना नहीं चाहती हूँ आप लोगों से, मतलब हाँ क्या
बोलते हैं, मेन रोड पे इंसान गिरता है तो गाड़ियां कितनी चलती है रोड पे, है ना। तो सब लोग यही बोल रहे थे कि थैंक गॉड कोई गाड़ी नहीं आ रही थी इधर उधर से, वरना चलो छोड़ो। मुझे बस यही आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, जो हो गया सो हो गया, आप सब सही है। कहते हैं ना अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, जो भी बुरी बला थी वो टल गई है, बस थोड़ी बहुत चोटें जो आई हैं वो आई हैं। हाँ इंसान गिरेगा तो कुछ तो चोट लगेगी, कुछ तो होगा ही, तो मतलब यही है। और मुझे बस ये खराब लग रहा है कि मम्मी वैसे भी आने वाली थी और मैं आप लोगों को यही गुड न्यूज देती, बहुत अच्छे तरीके से देती खुश होकर के, तो चलिए कोई बात नहीं। थोड़ी सी तकलीफ, जितनी तकलीफ होती है ना लिखी होती, उतना इंसान को बर्दाश्त करना होता है। और क्या बोलूं, मेरा अभी भी बिल्कुल भी, टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट रहूंगी, मेरा अभी बिल्कुल मन नहीं था वीडियो ब्लॉग बनाने का, कुछ करने का, बट बात वीडियो या ब्लॉग की नहीं है, बात आप सभी लोगों की है। आप सभी लोग से मैं ऐसी नहीं बोलती हूँ, एक रिलेशन है, फैमिली बन गई हो, क्या है, आप लोग कितना प्यार करते हो मुझे, मेरी मम्मी को कितना प्यार करते हो, मेन इम्पोर्टेंट बात ये है। सभी लोगों की ना, मुझे चार पांच दिन से मुझे सारे लोग यही पूछ रहे थे, बहुत दिन हो गए आंटी कब आएंगी, बहुत दिन हो गए आंटी कब आएंगी। तो मुझे ये मैसेज पढ़ के, ये कमेंट पढ़ के इतना रोना आ रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को कि मतलब मुझे कैसा फील हो रहा था। क्या हुआ, हाँ मक्खी हिट डाल रहे हैं। थोड़ी देर पहले मम्मी को दूध पिला दिया था, और क्या होगी पता नहीं। खाना वगैरह खा चुके हैं हम लोग, फुर्सत हो गया, मैंने सारा काम घर का फिनिश कर दिया जो काम करना था। मैं सोचा पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि क्या हो गया था, क्यों ब्लॉग नहीं जा रहे थे, क्यों मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी। मेरे लिए तो ये बहुत ही बुरी बात है, मम्मी को चोट लगना, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा कि मम्मी को चोट लग जाए। तो एक्सीडेंट का नाम ही बुरा होता है ना, कि एक्सीडेंट सुनते ही घबराहट से हो जाती है कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। चलिए जो था बुरा वक्त वो टल गया, और मैं भगवान से बस यही शुक्र मना रही हूँ, यही मैं प्रार्थना कर रही हूँ, थैंक यू बोल रही हूँ भगवान जी को कि थैंक यू, मतलब रक्षा करने के लिए, एक तरीके से बहुत बड़ी रक्षा हो गई है। इतने भयंकर गिरने के बाद, बुरी तरीके से चोट लगने के बाद, मम्मी मेरी सही सलामत मेरे पास है। जिस दिन मम्मी आ गई थी इतना मुझे खुशी हुई थी, तब से बस ऐसे ही टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से मैं पूरा तरीके से एकदम गायब ही हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोगों के प्रति भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब मम्मी को पहले से आराम है, उतनी तकलीफ नहीं है जितनी पहले थी। तो बार बार मुझे लग रहा था कैसे भी तुम आ जाए, हम वहाँ पहुंच जाए, कसम और खिला दे। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी इनके ऊपर, इतनी गुस्सा आ रही थी कि कसम और खिला दे। बताइए वो बात नहीं, ऐसे टाइम पे कोई कसम देता है? नहीं वो बात नहीं, तुम अकेली होती तो हम उनका बेटू बड़े परेशान हो जाओ। कुछ परेशान नहीं होता, कुछ नहीं, बेटू को लेके छोटे बच्चे लोग ऐसी क्यों होती है, और फिर जब छोटा बच्चा होता है ना तो फिर, और नहीं वैसे भी एकदम से कोई हो जाए तो एकदम से ऐसे नहीं भागना चाहिए। मतलब डर लग रहा था हमने कि पता नहीं कौन सा बुरा वक्त आ गया, हम तो चलो झेल गए, इतनी दूर से आना भी, तो साथ मिलाना, ऐसे में भी हम लोगों की, तीनों लोगों की चिंता कर रही थी। और अब तो वैसे भी ठीक है, वो जाने के बाद पास आ गए।
ये स्माइल तुम्हारी सबको बहुत अच्छी लगती है, तो यही स्माइल सब लोग बोलते हैं कि आपकी मम्मी की स्माइल बहुत अच्छी है। बहुत संघर्ष किया मेरी मम्मी ने अपने जीवन में बहुत बहुत, और इस बात से आप लोग भी एग्री करते हो ना, करते होंगे 100% 99% लोग एग्री करते होंगे कि सुखी संपन्न में और हस्बैंड का साथ होता है और बच्चों का साथ होता है, पूरी फैमिली का साथ होता है, तब जिंदगी कितनी आसान होती है। और अकेले बिना फैमिली के साथ के, बिना हस्बैंड के साथ के, अकेले अपने दम पर मेहनत करके बच्चे पालना, उन दोनों ही चीज़ों में अंतर होता है। तो मेरी मम्मी ने वो सारी चीज़ें झेली हैं, बहुत संघर्ष किया है, और अभी तक बस मुझे यही लगता है कि उनको कोई तकलीफ ना हो, बस जितनी तकलीफें थी बस मिट जाए। तो ये जो चोट उनके लग गई है ना, ये अंदर से मुझे बहुत तकलीफ देती है, बस जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से एकदम से सारा दर्द ठीक हो जाए। मैं तो मम्मी से बोलती हूँ 4-5 बार हल्दी वाला दूध पी लिया करो, पीती नहीं है 4-5 बार। हम तो कहते पियो हल्दी वाला दूध डाल के, दवाई भी खाओ, सारा सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया ना इसकी वजह से उठना उठना की हड्डी पर लग जाती है, तो टाइम लगता है सही होने। बहुत अच्छी एक्टर होती है, मन करता है सही हो जाए तब डांट लगाए। हमने नानी को भी नहीं जो है कतई ऐसे बात करी, नानी कतई समझ नहीं पाए, तुम समझ पाए। 15 अगस्त वाला आपने ब्लॉग देखा होगा ना, अब मुझे अंदर से इतना वो कछोट रहा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि बताइए को, तो पता ही है कि मैं अपनी मम्मी से कितना प्यार करती हूँ, हर कोई अपनी मम्मी से प्यार करता, करता कौन नहीं है। तो मतलब क्या हो, चलिए चलिए इस टॉपिक को यहाँ पर एंड करते हैं।